हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी प्याज के मसाला पराठे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं प्याज के मसाला पराठा बनाना। प्याज के मसाला पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। आटा उतना लें जितने आपको पराठे बनाने हैं। तो मैंने एक बड़ा बाउल आटा ले लिया है और अब डाल देंगे इसमें हम दो कटे हुए प्याज और 3 चम्मच लिया है बेसन। बेसन से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, तो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। 2 हरी मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच के करीब लेंगे नमक, थोड़ी सी हींग। हम बना रहे हैं मसाला पराठा तो मैं इसमें अजवाइन यूज़ करूँगी, तो आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने अजवाइन ली है। गरम मसाला पाउडर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं 2 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल डालूंगी, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें और आटे को गीला ना होने दें। मसाला पराठे के आटे को देखिए मैंने अच्छे से गूंद लिया है, तो इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आटा देखिए हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए लेते हैं हम एक बड़ा सा पेड़ा। तो इतना बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ मैं और सूखा आटा लगा के इसको गोल बना लेंगे। देखिए इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है, तो अब इसमें हम तेल लगा देंगे अच्छे से और इसे पूरी तरह से फैला देंगे चारों तरफ। अब इसको मैं इस तरह से रोल बना लूंगी। इस तरह से कर लेती हूँ और इसके किनारे में इस तरह से काट दूंगी। और अब हम जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उतनी बड़ी हम लोई कट कर लेंगे। तो मैं इसमें से 3 पराठे बनाऊंगी। तो देखिए ये हमारी लोई तैयार हो गई, इसको हम इस तरह से दबा देंगे इसको भी। और अब मैं पराठा बेल लेती हूँ, इन्हें मैं साइड में रख दूंगी। सूखा आटा लगा लिया है, इसको आराम से बेल लेते हैं। और इसको मैं साइज में थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी। तो अब तवा भी हमारा गर्म है, तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और आराम से मैं पराठे को डाल दूंगी। जब तक हमारा दूसरा पराठा सिक रहा है तो हम इसको भी तैयार कर लेते हैं इस तरह से। और वो हमारा सीख गया है तो उसे पलट लेंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से सीख गया है, तो हम इसमें अच्छे से तेल लगा देंगे। और इसे मैं अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूंगी। पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बना है, तो दूसरा भी इसी तरह से सेक लेंगे। प्याज के मसाला पराठा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पराठे बने हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।